हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आर कश्यप एंड वेलकम बैक टू परचम। आई होप यू ऑल आर वेल। आई होप कि ये सीरीज आपको अच्छी लग रही हो। आज हम इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 पे बेस्ड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे एज वी ऑल नो इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट एग्जाम्स, स्पेशली सेंट्रल एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, सीडीएस एंड ऑल दैट। सो इकोनॉमिक सर्वे को आपको लाइटली नहीं लेना है। बिफोर वी स्टार्ट, लेट मी रिकॉल यू कि अगर आप आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी या फिर एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो यू ऑल आर इनवाइटेड टू परचम ऐप। इन परचम ऐप वी हैव ब्रॉट अ कम्प्रिहेंसिव जनरल अवेयरनेस कोर्स फॉर यू। देयर वी कवर स्टैटिक जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एज वेल एज साइंस। सो आप सभी उसको चेक कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम अपने प्रीवियस डे क्वेश्चन को। सो क्वेश्चन था, हु प्रेजेंटेड बजट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि सबसे अधिक बार बजट किसने प्रस्तुत किया है। यू हैव फोर ऑप्शंस। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी निर्मला सीतारमन, सी मोरारजी देसाई, डी इंदिरा गांधी। सो द करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन सी, मोरारजी देसाई। बहुत कम ही बच्चों ने इसका सही आंसर दिया है। सो यू शुड ऑल नो कि मोरारजी देसाई वाज द पर्सन हु प्रेजेंटेड द बजट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ प्रेजेंटिंग द मोस्ट नंबर ऑफ यूनियन बजट्स इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री। ही हैड प्रेजेंटेड 10 बजट्स ड्यूरिंग हिज स्टिंट एज फाइनेंस मिनिस्टर ड्यूरिंग 1962 टू 1969। यहाँ आपको दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। पहली बात कि मोरारजी देसाई इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे। दूसरी कि मोरारजी देसाई ने सबसे ज्यादा बजट्स प्रेजेंट किए हैं हमारे इंडिया में। एंड तीसरी कि मोरारजी देसाई ने 10 बजट प्रेजेंट किए हैं। ठीक है, एंड उन्होंने ये बजट तब प्रेजेंट किए थे जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। एक बार वो प्राइम मिनिस्टर जब बन गए थे तब उन्होंने बजट पेश नहीं किए थे। सो ही प्रेजेंटेड बजट ओनली एज अ फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, एंड किस किस प्राइम मिनिस्टर ने बजट पेश किया है, वो केवल तीन थे, सारी के सारे गांधी फैमिली के, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। इन तीनों के अलावा कोई भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं है जिसने बजट पेश किया है ऐसा प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के क्वेश्चंस के साथ। एंड पहला क्वेश्चन है, विच डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रिपेयर्स इकोनॉमिक सर्वे, यानी वित्त मंत्रालय का कौन सा विभाग आर्थिक सर्वेक्षण तैयार करता है। तो देखो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना काम है। तो इकोनॉमिक सर्वे प्रिपेयर करना किस डिपार्टमेंट का काम है, वो पूछा जा रहा है आपसे। ऑप्शन ए डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स यानी आर्थिक मामलों का विभाग, ऑप्शन बी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर यानी व्यय विभाग, ऑप्शन सी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू यानी राजस्व विभाग, एंड ऑप्शन डी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज यानी कि वित्तीय सेवा विभाग। सो व्हाट्स द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। सो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इज द डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विच प्रिपेयर्स इकोनॉमिक सर्वे। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको इकोनॉमिक सर्वे का मतलब ही नहीं पता। सो आपको इकोनॉमिक सर्वे का मतलब पता होना चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है? इट इज द ऑफिशियल रिपोर्ट कार्ड ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी। जैसे आप एग्जाम्स देते थे स्कूल में, तो लास्ट में आपको एक रिजल्ट मिलता था, एक रिपोर्ट कार्ड मिलता था जो आपको बताता था कि आप किस सब्जेक्ट में अच्छे हो, आपका क्या ओवरऑल स्कोर है। इन दैट सेम वे जो हमारी इकोनॉमी होती है, उसका जो ऑफिशियल रिपोर्ट कार्ड होता है उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, इट इज टेबल्ड इन पार्लियामेंट बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अ डे बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ द यूनियन बजट। यानी कि यूनियन बजट पेश करने से पहले, पेश करने के एक दिन पहले, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर होती है वो पार्लियामेंट में इकोनॉमिक सर्वे को प्रेजेंट करती है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर द गाइडेंस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। उसको प्रिपेयर कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। एंड किसकी गाइडेंस उनको मिलती है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की। बट एक चीज आपको याद रखना है कि जो इकोनॉमिक सर्वे 2021-2022 का, उसको चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की गाइडेंस के अंदर नहीं प्रिपेयर किया गया है। दैट हैज बीन प्रिपेयर्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर नेमली संजीव सन्याल। सो ये एक एक्सेप्शन है। वैसे नॉर्म ये है कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की गाइडेंस में इकोनॉमिक सर्वे प्रिपेयर होगा, बट दिस ईयर इट हैज बीन प्रिपेयर्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर। ठीक है, सो ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर टू, द सेंट्रल थीम ऑफ इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 इज द, ऑप्शन ए शिफ्टिंग गियर्स, ऑप्शन बी इनेबल मार्केट्स, प्रमोट प्रो बिजनेस पॉलिसीज एंड स्ट्रेंथन ट्रस्ट इन द इकोनॉमी, ऑप्शन सी सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स,
ऑप्शन डी एजाइल अप्रोच। सो जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है उसका सेंट्रल थीम क्या है वो आपको बताना है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी एजाइल अप्रोच, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सो अगर हम बात करें थीम ऑफ इकोनॉमिक सर्वे की, तो उसके बारे में हम थोड़ा बहुत और भी पढ़ लेते हैं कि द सेंट्रल थीम ऑफ दिस ईयर इकोनॉमिक सर्वे इज द एजाइल अप्रोच। इन्फॉर्मिंग फर्दर द प्रीफेस ऑफ इकोनॉमिक सर्वे स्टेट्स दैट द एजाइल अप्रोच इज बेस्ड ऑन फीडबैक लूप्स, रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ एक्चुअल आउटकम्स, फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्सेस, सेफ्टी नेट बफर्स एंड सो ऑन। यानी जो इकोनॉमिक सर्वे का प्रीफेस है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस क्या होता है, प्रीएम्बल, सो ऐसे इकोनॉमिक सर्वे का कुछ प्रीफेस है, वहां एजाइल अप्रोच को समझाया गया है एंड वहां बताया गया है कि एजाइल अप्रोच जो है वो हमारा फीडबैक लूप्स पे बेस्ड है, रियल टाइम मॉनिटरिंग पे बेस्ड है एंड फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्सेस पे बेस्ड है। एजाइल वर्ड का लिटरल मीनिंग होता है एबल टू मूव क्विकली, यानी कि एक ऐसा अप्रोच हम इस बार लेंगे जहां हम जल्दी जल्दी स्टेप अप कर सके, जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, द टर्म बाबल स्ट्रेटजी हैज रिसेंटली बीन इन न्यूज, व्हाट इज द टर्म रेफरिंग टू। सो ये जो बाबल स्ट्रेटजी टर्म है वो किस चीज से रिलेटेड है। ऑप्शन ए स्ट्रेटजी यूज बाय चाइनीज ऑन इंडो चाइना बॉर्डर, ऑप्शन बी स्ट्रेटजी यूज बाय गवर्नमेंट टू सॉल्व एनपीए प्रॉब्लम, ऑप्शन सी स्ट्रेटजी अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग पेंडेमिक, ऑप्शन डी स्ट्रेटजी बाय इंडिया टू अट्रैक्ट ग्लोबल इन्वेस्टर्स। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी स्ट्रेटजी अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग पेंडेमिक। सो जो भारत सरकार थी उसने जो स्ट्रेटजी अडॉप्ट की थी कोविड पैंडेमिक के टाइम, उस स्ट्रेटजी को कहा जाता है बार्बल स्ट्रेटजी। बार्बल स्ट्रेटजी में होता क्या है कि एक साइड हम चीजों को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है, एंड दूसरी साइड हम चीजों को पुश करने की भी कोशिश कर रहे हैं। जैसे कोविड के टाइम हम क्या कर रहे थे, हम लाइवलीहुड्स को बचाने की कोशिश कर रहे थे बट साथ ही साथ इकोनॉमी को बढ़ाने की भी कोशिश कर रहे थे, इकोनॉमी कहीं क्रैश ना हो जाए वैसे भी स्टेप्स उठा रहे थे। सो ऐसी स्ट्रेटजी को, ऐसे अप्रोच को बोलते हैं बाबल स्ट्रेटजी, गेट इट। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू इकोनॉमिक सर्वे। पहला स्टेटमेंट है इट इज एन एनुअल डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। सेकंड स्टेटमेंट, द रिपोर्ट अंडरस्कोर्स द कंडीशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। थर्ड, द इकोनॉमिक सर्वे सजेस्ट रिफॉर्म्स दैट शुड बी अंडरटेकन टू एक्सेलरेट ग्रोथ। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए ओनली 2, ऑप्शन बी बोथ 2 एंड 3, ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 3, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वाइट इजी सा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ आप सभी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। पहला स्टेटमेंट हमारा सही है, उसको कौन प्रेजेंट करता है, फाइनेंस मिनिस्टर। बजट पेश करने से एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे को फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में प्रेजेंट कर देते हैं। सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा सही है, क्योंकि जो इकोनॉमिक सर्वे है वो बहुत ज्यादा होलिस्टिक होता है, बहुत ज्यादा मल्टी डायमेंशनल होता है और हर एक सेक्टर के बारे में बात करता है इकोनॉमिक सर्वे। थर्ड भी हमारा सही है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे जो है सजेशंस प्रोवाइड करता है कि कैसे हम ग्रोथ को एक्सेलरेट कर सकते हैं, कैसे हम चीजों को इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। सो फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंटेड इन इंडिया। भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया गया था, क्वाइट फैक्चुअल क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 1947-48, बी 1948-49, सी 1949-50, डी 1950-51। सो कब भारत का पहला इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया गया था। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 1950-51। सो इट वॉज बिटवीन द ईयर 1950 एंड 1951 व्हेन द फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया वॉज प्रेजेंटेड, गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 6, द इकोनॉमिक सर्वे 2022 प्रोजेक्टेड द जीडीपी ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 23 एट। यानी जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है इस साल का, उसने कितने परसेंट की जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्ट की है फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए। ऑप्शन ए 8-8.5%, बी 9-9.2%, सी 7.1-7.3%, डी 3.9-4.2%। सो व्हाट्स द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 8-8.5%। यानी कि इकोनॉमिक सर्वे ऐसा मानता है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में जो इंडिया की जीडीपी है वो 8-8.5% तक का ग्रोथ विटनेस कर सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, विथ रिगार्ड टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कंसिडर द फॉलोइंग। पहला स्टेटमेंट है टोटल फर्टिलिटी रेट केम डाउन टू 1 इन 2019-21 फ्रॉम 2.2 इन 2015-16।
यानी कि 2015 से 2016 के बीच में जो टोटल फर्टिलिटी रेट थी वो 2.2 थी, बट ओवर द टाइम 2019 से 2021 के बीच वो अब 1 तक आ गई है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट एंड इंस्टीट्यूशनल बर्थ हैव इम्प्रूव्ड इन 2019-21 ओवर द ईयर 2015-16, यानी कि इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट गिरी है, वो इम्प्रूव हुई है, ये बोला जा रहा है। थर्ड, 83 डिस्ट्रिक्ट्स हैव बिकम हर घर जल डिस्ट्रिक्ट्स। सो आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ सही हैं। ऑप्शन ए ओनली 1, ऑप्शन बी ओनली 2, ऑप्शन सी ओनली 3, ऑप्शन डी बोथ 1 एंड 2। सो व्हाट्स द करेक्ट आंसर? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ओनली 2। पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है क्योंकि टोटल फर्टिलिटी रेट अभी भी 1 तक नहीं गिरी है। सेकेंड स्टेटमेंट हमारा सही है, थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी ओनली 2। जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2019 से 2021 के बीच में 2 तक गिर चुकी है, 1 तक नहीं। हमारा स्टेटमेंट क्या बोल रहा था, इट केम डाउन टू 1, बट आज भी जो टोटल फर्टिलिटी रेट है कंट्री में वो कितनी है, 2 है, ठीक है। सो पहला स्टेटमेंट इसलिए हमारा गलत था। दूसरा स्टेटमेंट तो हमारा सही था कि इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट इंप्रूव हुई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, हु प्रेजेंटेड द बजट 2022 इन द पार्लियामेंट, यानी कि जो इस साल का बजट था वो किसने प्रेजेंट किया। बहुत इजी सा क्वेश्चन, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, बी निर्मला सीतारमन, सी राजनाथ सिंह, डी अमित शाह। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी निर्मला सीतारमन, क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्टर है एंड नॉर्म के अकॉर्डिंग इट इज द फाइनेंस मिनिस्टर हु प्रेजेंट्स बजट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, WPI यानी जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, इट इज रिलीज्ड बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। सेकंड, द हाईएस्ट वेटेज इन WPI इज गिवन टू द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ठीक है। सो ये दो स्टेटमेंट है। अब आपको ये बताना है इन दोनों में से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ऑप्शन ए वन ओनली, बी टू ओनली, सी बोथ 1 एंड 2, डी नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी टू ओनली। दूसरा स्टेटमेंट तो हमारा सही है क्योंकि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है उसमें सबसे ज्यादा वेटेज मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को ही दिया जाता है, बट पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है क्योंकि WPI नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस रिलीज नहीं करता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कौन करता है WPI को रिलीज। सो WPI यानी कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो रिलीज करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। इन दैट सेम वे जो CPI है रूरल लेबरर्स एंड एग्रीकल्चरल लेबरर्स का, वो रिलीज करती है लेबर मिनिस्ट्रीज, लेबर ब्यूरो। कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स रिलीज करती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। इन दैट सेम वे जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ही रिलीज करती है, ठीक है। सो ये सारे फैक्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। होलसेल प्राइस इंडेक्स कौन रिलीज करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ना कि NSO। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी इंडियन स्टार्टअप्स हैव अचीव्ड यूनिकॉर्न स्टेटस, यानी कि कितने भारतीय स्टार्टअप ने यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल कर लिया है। चार ऑप्शन है आपके पास, 77, 83, 44, 92। अगर आपको यूनिकॉर्न स्टेटस क्या होता है वही नहीं पता तो आप इसका आंसर भी नहीं दे पाओगे। इसका सही आंसर क्या है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 83, यानी कि इंडिया में 83 ऐसे स्टार्टअप है जिन्होंने यूनिकॉर्न स्टेटस को अचीव किया है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहते किनको है। सो यूनिकॉर्न इज द टर्म यूज्ड इन द वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री टू डिस्क्राइब अ स्टार्टअप कंपनी विद अ वैल्यू ऑफ ओवर $1 बिलियन। सो कोई एक ऐसी स्टार्टअप कंपनी जिसकी मार्केट वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा हो, उस स्टार्टअप को हम यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहते हैं। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड आफ्टर US एंड चाइना। US और चाइना के बाद इंडिया में सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स आते हैं एंड 44 इंडियन स्टार्टअप्स को 2021 में यूनिकॉर्न स्टेटस मिल चुका है। एंड इसी के साथ जो टोटल यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स है इंडिया में वो कितने हो गए हैं, 83। एंड ज्यादातर जो यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स है वो सर्विस सेक्टर पे हैं। सो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। बढ़ते हैं अपने 11th क्वेश्चन की तरफ। 11th क्वेश्चन है, हु होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर डिलीवरिंग द लॉन्गेस्ट बजट स्पीच इन इंडिया, यानी कि भारत में सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड किसके नाम पे है। ये क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस किया था, सो आज इसका आंसर आप सबसे बनना चाहिए। ऑप्शन ए निर्मला सीतारमन, बी अरुण जेटली, सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए निर्मला सीतारमन।
निर्मला सीतारमन होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर डिलीवरिंग द लॉन्गेस्ट बजट स्पीच इन इंडिया व्हाइल प्रेजेंटिंग द यूनियन बजट 2020-21. शी स्पोक फॉर 2 आवर्स एंड 42 मिनट्स, ब्रेकिंग हर प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ जुलाई 2019 स्पीच. यानी कि निर्मला सीतारमन के नाम पे सबसे लंबा बजट का भाषण देने का रिकॉर्ड है. जब वो 2020-21 का बजट प्रेजेंट कर रही थी तब उन्होंने करीब 2 घंटे 42 मिनट का भाषण दिया. एंड दैट इज सेड टू बी द लॉन्गेस्ट बजट स्पीच इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 12. इन मई 2021 सस्टेनेबल फाइनेंस ग्रुप वॉज सेटअप बाई. सो इकोनॉमिक सर्वे में इस साल सस्टेनेबल फाइनेंस ग्रुप का मेंशन किया गया है. अब क्वेश्चन यहाँ ये पूछा जा रहा है कि सस्टेनेबल फाइनेंस ग्रुप किसने सेटअप किया था. ऑप्शन ए नीति आयोग, बी सेबी, सी आरबीआई, डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. सो व्हाट्स द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी आरबीआई. सो सस्टेनेबल फाइनेंस ग्रुप को आरबीआई ने सेटअप किया था. अब इसका पर्पस क्या था? इस ग्रुप का पर्पस ये था कि हम फंड्स रेज करेंगे सो दैट जो है हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सके हमारी कंट्री में. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 13. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू इकोनॉमिक सर्वे. पहला स्टेटमेंट, इंडियन रेलवे कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज इंक्रीज्ड बिटवीन 2009 टू 2014. यानी कि जो इंडियन रेलवे है उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया है 2009 से 2014 के बीच. सेकेंड स्टेटमेंट, सर्विस सेक्टर वॉज वर्स्ट अफेक्टेड बाई पैंडमिक. सो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है? ऑप्शन ए वन ओनली, बी टू ओनली, सी बोथ वन एंड टू, डी नन ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ वन एंड टू. सो जो इंडियन रेलवे में कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 2009 से 2014 के बीच बढ़ाया गया है. साथ ही साथ जो कोविड पैंडमिक था उसमें सबसे ज्यादा अफेक्टेड कौन हुआ था? सर्विस सेक्टर. सो इट वॉज द सर्विस सेक्टर हु फेस द बर्नट ऑफ द पैंडमिक. ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ वन एंड टू. क्वेश्चन नंबर 14. नेट सोन एरिया ग्रू बाय डैश टाइम्स फ्रॉम 2006 टू 2021. यानी कि 2006 से 2021 के बीच में जो बोए गए क्षेत्र है उसमें कितने गुना वृद्धि हुई है? ऑप्शन ए 1.25 टाइम्स, ऑप्शन बी 1.5 टाइम्स, ऑप्शन सी 1.75 टाइम्स एंड ऑप्शन डी 2 टाइम्स. सो व्हाट्स द करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1.25 टाइम्स. इन अदर वर्ड्स जो हमारा नेट सोन एरिया है वो 1.25 टाइम्स बढ़ा है 2006 से 2021 के बीच में. अब क्वेश्चन ये उठता है कि नेट सोन एरिया का मतलब क्या है? सो नेट सोन एरिया इज द प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल एरियाज ऑफ द कंट्री विच इज यूज फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. यानी कि जो टोटल एरिया है हमारी कंट्री का उसमें से कितना प्रोपोर्शन क्रॉप्स ग्रो करने के लिए यूज किया जाता है उसी प्रोपोर्शन को हम कहते हैं नेट सोन एरिया. गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 15. हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई. यानी कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? ऑप्शन ए केसी नियोगी, ऑप्शन बी अशोक मेहता, ऑप्शन सी सीडी देशमुख एंड ऑप्शन डी जॉन मथाई. सो आरबीआई के पहले इंडियन गवर्नर कौन थे? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सीडी देशमुख, जो आगे चलकर भारत के फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं. ठीक है. तो सीडी देशमुख की एक इमेज है. इनका फुल नेम क्या था? चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख. ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन 1943 एंड ही सब्सिक्वेंटली सर्व्ड एज द फाइनेंस मिनिस्टर इन यूनियन कैबिनेट बिटवीन 1950 टू 1956. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 16. इंडिया हैज बिकम द डैश लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड. यानी कि भारत दुनिया का कितना बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है? ऑप्शन ए सेकेंड, बी थर्ड, सी फोर्थ, डी फिफ्थ. सो व्हाट्स द करेक्ट आंसर? ये चीज हमने डिस्कस कर ली थी पहले भी. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी थर्ड. सो इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड एंड एज ऑफ नाउ इंडिया में 83 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं. एंड एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2021 में 44 इंडियन स्टार्टअप्स को एक यूनिकॉर्न स्टेटस प्रोवाइड किया गया है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 17. व्हाट वाज इंडियाज ओवरऑल स्कोर ऑन द नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड इन 2020-21. जो हमारी नीति आयोग है यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है वो हर साल एक एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड करके रिपोर्ट इशू करती है. इस पे वो हर एक स्टेट को स्कोर देती है आउट ऑफ 100 एंड एक ओवरऑल स्कोर भी निकालती है इंडिया का.
तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस रिपोर्ट पे इंडिया का ओवरऑल स्कोर क्या था। सो चार ऑप्शन है आपके पास, 44, 60, 66, ऑप्शन डी 90। सो व्हाट्स द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 66। सो इंडिया ने 66 आउट ऑफ 100 का स्कोर अचीव किया है इन द नीति आयोग्स एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड रिपोर्ट। सो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एसडीजी इंडिया इंडेक्स के बारे में थोड़ा बहुत और पढ़ लेते हैं। दिस इंडेक्स वॉज लॉन्च्ड बाय नीति आयोग इन द ईयर 2018 एंड द ऑब्जेक्टिव वॉज टू मॉनिटर द कंट्रीज प्रोग्रेस ऑन द गोल्स थ्रू डाटा ड्रिवन असेसमेंट एंड फॉस्टर अ कॉम्पिटेटिव स्पिरिट अमंग द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन अचीविंग देम। सो इस इंडेक्स को 2018 में लॉन्च किया गया था एंड ऑब्जेक्टिव ये था कि जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अचीव करने में जल्दी जल्दी हम स्टेप्स उठा सकें। एंड एसडीजी इंडिया इंडेक्स का एक और ऑब्जेक्टिव ये था कि स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के बीच एक कॉम्पिटेटिव नेचर क्रिएट किया जा सके, क्योंकि इस इंडेक्स में हर एक स्टेट हर एक यूनियन टेरिटरी को एक पार्टिकुलर स्कोर दिया जाता है आउट ऑफ 100। सो अगर समझ लो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र ये सब आपस में कम्पीट कर रहे हैं तो वो कम्पीट करेंगे ज्यादा स्कोर के लिए, एंड ज्यादा स्कोर तभी आएंगे जब वो ज्यादा काम करेंगे, ठीक है। तो अगर वो काम ज्यादा करेंगे तो उनको ज्यादा स्कोर आएगा एंड उनकी रैंकिंग अच्छी होगी। तो एक कॉम्पिटिटिव नेचर क्रिएट करने की कोशिश की गई थी ताकि ओवरऑल जो है इंडिया का ग्रोथ हो पाए इस इंडेक्स के थ्रू, ठीक है। एंड एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो है उसको डेवलप किया गया है इन कोलैबोरेशन विद द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेगुलेटर ऑफ द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया। सो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है उनको रेगुलेट कौन करता है, जैसे हमारी सीबिल हो गई है ना, क्राइसिल हो गई, इन सबको रेगुलेट कौन करता है? ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी एसबीआई, ऑप्शन सी सिडबी, ऑप्शन डी सेबी। सो हु रेगुलेट्स क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया? इसका सही आंसर क्या है, सटीक आंसर क्या है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी सेबी। सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ही क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को रेगुलेट करती है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। सो फिस्कल पॉलिसी के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो इन चारों में से क्या फिस्कल पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट नहीं है? ऑप्शन ए ओपन मार्केट ऑपरेशंस, बी टैक्सेशन, ऑप्शन सी पब्लिक बोरोइंग, ऑप्शन डी पब्लिक एक्सपेंडिचर। इजी सा क्वेश्चन है ये, अगर आपने फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनिटरी पॉलिसी पढ़ी होगी तो आप इजिली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ओपन मार्केट ऑपरेशंस, क्योंकि ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस फिस्कल पॉलिसी के नहीं बल्कि मॉनेटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट है। अब हम ओपन मार्केट ऑपरेशंस को थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ लेते हैं, ये है क्या। इट इज अ सिस्टम ऑफ बाइंग और सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम मार्केट। जो हमारी सरकार होती है वो फंड्स रेज करने के लिए जीसेक इशू करती है, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करती है, ठीक है। तो जब कभी आरबीआई को मार्केट से लिक्विडिटी खत्म करनी हो या फिर लिक्विडिटी बढ़ानी हो तो वो क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचने और खरीदने लगती है, ठीक है। जब उसको मनी सप्लाई इंक्रीज करनी है तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदने लगेगी और पैसा मार्केट पे पहुंचा देगी। एंड जब उसे मनी सप्लाई डिक्रीज करनी होती है तो उसके पास जो भी आरबीआई के पास जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है वो मार्केट पे बेचने लगती है। इस तरीके से वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का प्रयास करती है, ठीक है। एंड जब वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय भी कर रही है और सेल भी कर रही है, दोनों चीजें एक साथ कर रही है, तो उसको हम बोलते हैं स्पेशल ओपन मार्केट ऑपरेशन। एंड इस ऑपरेशन का नाम दिया जाता है ऑपरेशन ट्विस्ट। सो ऑपरेशन ट्विस्ट क्या है? इट्स अ साइमल्टेनियस परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अंडर ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है कि ऑपरेशन ट्विस्ट फंक्शन कैसे करता है, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि जो ऑपरेशन ट्विस्ट है वो रिलेटेड है ओपन मार्केट ऑपरेशन से, वो रिलेटेड है मनी सप्लाई से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी कंसिस्ट ऑफ, यानी जो मौद्रिक नीति समिति होती है उसमें कितने मेंबर्स होते हैं? ऑप्शन ए 4 मेंबर्स, बी 5 मेंबर्स, सी 6 मेंबर्स, ऑप्शन डी 10 मेंबर्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 6 मेंबर्स। सो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी में 6 लोग होते हैं, 3 आरबीआई की तरफ से होते हैं एंड 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। एंड मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का हेड कौन होता है? आरबीआई का गवर्नर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, कस्टम ड्यूटी फॉर कट एंड पॉलिश डायमंड्स हैज बीन रिड्यूस्ड टू हाउ मच परसेंट। यानी कि कटे और पॉलिश किए गए हीरे के लिए सीमा शुल्क को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है?
ऑप्शन ए 5%, बी 10%, सी 15%, डी 7%। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 5%। सो कटे और पॉलिश किए गए डायमंड्स पे कस्टम ड्यूटी को 5% कम कर दिया गया है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। एंड ये क्वेश्चन था बजट 2022-23 से। क्वेश्चन नंबर 22, द कस्टम्स ड्यूटी ऑन अम्ब्रेला हैज बीन रेज्ड टू हाउ मच, यानी कि छतरियों पर सीमा शुल्क कितना बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन ए 15%, बी 20%, सी 25%, डी 30%। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 20%। सो कस्टम ड्यूटी अम्ब्रेलास पे बढ़ा दिया गया है। इन शॉर्ट, जो अम्ब्रेलास हम इंपोर्ट करते थे वो अब महंगे हो जाएंगे। ठीक है ना। एंड कस्टम ड्यूटी होती क्या है? कस्टम ड्यूटी इज अ टैक्स इम्पोज ऑन इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स। सो जो इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स पे टैक्स लगते हैं उसको हम बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। एंड अम्ब्रेला पे कस्टम ड्यूटी 20% तक बढ़ा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 23, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कमोडिटीज विल बिकम कॉस्टली आफ्टर द यूनियन बजट 2022-23 प्रेजेंटेशन। सो बजट 2022-2023 पेश करने के बाद कौन सी कॉमोडिटी इन चारों में से महंगी हो जाएगी, अभी अभी हमने पढ़ा है। ऑप्शन ए अम्ब्रेला, बी जेमस्टोन, सी डायमंड, डी इमिटेशन ज्वेलरी। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप थोड़ा बहुत लॉजिक लगा लो तब भी आपसे ये आंसर बन जाएगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए अम्ब्रेला, क्योंकि अम्ब्रेला पे कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है तो ऑब्वियस सी बात है कि अम्ब्रेला महंगा हो जाएगा। एंड जहां तक बात है जेम स्टोन की, डायमंड की, इमिटेशन ज्वेलरी की, तो इन सब पे तो कस्टम ड्यूटी घटाई गई है तो ये महंगे नहीं होंगे बल्कि सस्ते हो जाएंगे, बट अम्ब्रेला पे कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है तो वो महंगे हो जाएंगे। ठीक है ना। सो ये थोड़ी बहुत जानकारी है कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अनाउंस्ड अ स्लू ऑफ चेंजेस इन द कस्टम्स ड्यूटी फॉर सेवरल प्रोडक्ट्स इन हर यूनियन बजट 2022, इंक्लूडिंग अ 5% रिडक्शन इन कस्टम्स ड्यूटी ऑन जेम्स, कट एंड पॉलिश डायमंड्स। सो जो जेम स्टोन्स है एंड कट एंड पॉलिश डायमंड्स है उनमें 5% कस्टम ड्यूटी घटा दी गई है। ज्वेलरी एंड केमिकल्स पे भी कस्टम्स ड्यूटी घटा दी गई है, बट अम्ब्रेलास पे कस्टम ड्यूटी 20% तक बढ़ा दी गई है। सो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24, विच बैंक विल इंट्रोड्यूस अ डिजिटल रुपी इन इंडिया, यानी कौन सा बैंक भारत में डिजिटल रुपया पेश करेगा। ऑप्शन ए आरबीआई, बी एसबीआई, सी पंजाब नेशनल बैंक, डी बैंक ऑफ बड़ौदा। सो करेक्ट आंसर इसका क्या है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए आरबीआई। ये एक बहुत इजी सा क्वेश्चन था, इनफैक्ट ये जो क्वेश्चन है वो इस साल के बजट से लिया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 और ये आज का लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट करके हमें बताना है। इजी सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हेन इज इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट, यानी इकोनॉमिक सर्वे को पार्लियामेंट में कब प्रेजेंट किया जाता है। ऑप्शन ए अ वर्किंग डे बिफोर द बजट, यानी कि बजट से एक दिन पहले, अ वर्किंग डे आफ्टर द बजट, यानी कि बजट के एक दिन बाद, ऑप्शन सी अ वीक बिफोर द बजट, यानी कि बजट से एक हफ्ते पहले, ऑप्शन डी अ मंथ आफ्टर द बजट, यानी कि बजट के एक महीने बाद। तो इकोनॉमिक सर्वे को पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर कब प्रेजेंट करती है, किस टाइम पे। सो इसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। सो यहाँ पे आज हमारी क्लास एंड होती है। नेक्स्ट क्लास में हम फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज को डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज में हम बैंक्स को, नॉन बैंक्स को, एनबीएफसीज को, आरबीआई को, इन सब के ऊपर हम क्वेश्चंस को लेंगे। ठीक है। सो आप प्लीज इन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एंड आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो। एंड डू कमेंट द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 25। टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।